हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मेरा नाम है सचिन, मैं आप लोगों को बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस, हम लोगों का आज जो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वह है कक्षा 10 का अध्याय 5 जैव प्रक्रम। इसमें हम लोग पोषण के बारे में पढ़ लिए हैं, मनुष्य में पोषण, अमीबा में पोषण कैसे होता है, विषम पोषी पोषण, सम पोषी पोषण, इन सब के बारे में गाइस हम लोग पढ़ लिए थे। इसके पश्चात आज जो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वह है श्वसन, रिस्पायरेशन। श्वसन क्या होता है और गाइस श्वसन के जितने भी टॉपिक हैं उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसमें हम लोग श्वसन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे, श्वसन की अवस्था, पादपों में श्वसन, जंतुओं में श्वसन, जलीय प्राणियों में श्वसन व मनुष्य में श्वसन। तो गाइज श्वसन में हम लोगों को इतने टॉपिक को पढ़ना है, पूरे 7 टॉपिक हैं। तो गाइज इन सबको देखते हुए अब हम लोग जानते हैं श्वसन क्या है। तो गाइज श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वे एंजाइमी अभिक्रियाएं हैं। श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वे एंजाइमी प्रक्रियाएं हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा को प्रदान करती हैं, तो उसे हम लोग श्वसन कहते हैं। गाइज आइए इसके बारे में लिखते हैं। श्वसन जीवित कोशिकाओं की वह एंजाइमी अभिक्रिया है, वह एंजाइमी अभिक्रिया है एंजाइमी अभिक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकृत करके ऊर्जा को प्रदान करता है। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का श्वसन। श्वसन जीवित कोशिकाओं में वह एंजाइमी अभिक्रिया है जो कार्बनिक व ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके उससे ऊर्जा को मुक्त कराती है या ऊर्जा को प्रदान करती है, तो उसे हम लोग श्वसन कहते हैं। गाइज श्वसन में ये जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन उपस्थित ही रहे, ऑक्सीजन अगर उपस्थित नहीं भी होगा तो भी वहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया होगी, बस इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में आशय यह होगा। अगर ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो उससे जो ऊर्जा मुक्त होगी वह काफ़ी अधिक मात्रा में निकलेगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जो ऊर्जा मुक्त होगी वह कम मात्रा में होगी। लेकिन गाइज ऑक्सीजन रहे या ना रहे लेकिन श्वसन होगा, बस इसमें ऑक्सीजन अगर रहेगा श्वसन जो ऑक्सीजन रहेगा तो इसमें ऊर्जा अधिक मुक्त होगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ऊर्जा कम मुक्त होगी, लेकिन श्वसन की क्रिया होगी। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का श्वसन का परिभाषा। श्वसन जीवित कोशिकाओं की वह एंजाइमी अभिक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में
ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा को प्रदान करती है। तो गाइज हम लोग श्वसन के बारे में जान लिए, श्वसन में ऑक्सीजन रहे या न रहे लेकिन श्वसन की क्रिया होगी। तो गाइज अब हम लोग जानेंगे श्वसन के प्रकार। गाइज जो श्वसन होता है हम लोगों का, जैसे श्वसन है, श्वसन की क्रिया के द्वारा ऊर्जा कैसे मुक्त होती है, जैसे यह भोजन है, अब भोजन के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन के बाद अब यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य एंजाइम करेगा, एंजाइम एंजाइम, और इसमें तापमान होना चाहिए 25 से 45 डिग्री सेल्सियस तक। फिर यहाँ पर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस एनर्जी, और यह जो एनर्जी होगा हमारे बॉडी में चला जाएगा। तो गाय इस प्रकार से श्वसन की क्रिया में हम लोगों को एनर्जी मिलती है। भोजन है, भोजन के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा, ऑक्सीजन में एंजाइम आएंगे, उत्प्रेरक का कार्य करेंगे, और इसमें टेम्परेचर 25 से 45 डिग्री सेल्सियस तक होगा। फिर इसके पश्चात यह विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल व एनर्जी में टूट जाएगा। जो एनर्जी रहेगा हमारे बॉडी द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, जहाँ पर एनर्जी की मांग होगी वहाँ पर एनर्जी चला जाएगा। तो गाइज अब हम लोग जानेंगे हम लोगों का दूसरा है श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन के प्रकार का दूसरा है श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, तो गाइस ये हो गया श्वसन के प्रकार। तो गाइस जो श्वसन होता है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। श्वसन दो प्रकार का होता है, इसमें एक होता है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। गाइस श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। तो गाइस अब वायवीय श्वसन क्या होता है, वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है तो उसे हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन के द्वारा हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल व 38 एटीपी ऊर्जा मिलता है। 38 एटीपी मतलब होता है 673 केल्विन, 38 एटीपी ऊर्जा हम लोगों को इससे मुक्त होती है, 38 एटीपी 673 केल्विन। गाइज यह जो एटीपी होता है हमारे शरीर में ऊर्जा मुद्रा के नाम से इसे जाना जाता है। गाइज एटीपी ही यह डीटीपी में चेंज होकर हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, डीएमपी में चेंज होकर हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। तो गाइज एटीपी के द्वारा ही हम लोगों को ऊर्जा प्रदान होता है। तो गाइज आइए हम लोग वायवीय श्वसन के बारे में लिखते हैं। इसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है तथा यह ग्लूकोज के अणुओं को ग्लूकोज के अणुओं को कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल व ऊर्जा में खंडित कर देता है, ऊर्जा में खंडित कर देता है।
तो गाइज यह हो गया हम लोगों का वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, यह ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड जल व ऊर्जा में खंडित कर देता है। जैसे मान लीजिए गाइज यहाँ पर है हम लोगों का ग्लूकोज C6H12O6 प्लस यहाँ पर 6 मोल ऑक्सीजन उपस्थित है। अब यहाँ पर रिएक्शन होगा और इसमें जो ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन तो इसमें प्रेजेंट ही रहेगा, यहाँ पर एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करेंगे, एंजाइम हो जाएंगे। इसमें टेम्परेचर 25 से 45 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर 6 मोल CO2 निकलेगा, CO2 प्लस 6H2O प्लस 48 ATP ऊर्जा, जिसे हम लोग बोल सकते हैं 673 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, कैलोरी ऊर्जा गाइस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पर मिलता है। और यह इतना ऊर्जा मिलता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित है। ऑक्सीजन जो होता है यह ज्वलनशील होता है, यह हमारे भोजन को आसानी से पचाने में भी मदद करता है। तो गाइस यहाँ पर यह है ग्लूकोज, यह है ऑक्सीजन और यहाँ पर यह है कार्बन डाइऑक्साइड जल व 48 ATP ऊर्जा में चेंज कर दिया। तो गाइस वायवीय श्वसन यही होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा अवायवीय श्वसन, दूसरा है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, तो गाइस अवायवीय श्वसन क्या होता है, इसका एरोबिक, इसका एनोएरोबिक होता है, एनोएरोबिक रिस्पायरेशन। तो गाइज अवायवीय श्वसन क्या होता है, वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है तो उसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। गाइस जो अवायवीय श्वसन होता है इसमें ऑक्सीजन न उपस्थित होने के कारण यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ, यहाँ पर जो उत्पाद हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड जल मिला, यहाँ पर हम लोगों को एथिल एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, एथिल एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और जो गाइस हम लोगों को ऊर्जा मिलेगी वह केवल 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, केवल 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। तो गाइस आइए हम लोग अवायवीय श्वसन के बारे में लिखते हैं। इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है, उपस्थित नहीं रहता है, उपस्थित नहीं रहता है। इसमें ग्लूकोज इसमें ग्लूकोज खंडित होकर एथिल एल्कोहल C2H5OH व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, गैस ट्रिप्लस गैस के साथ साथ ऊर्जा का निर्माण करता है, के साथ साथ ऊर्जा का निर्माण करता है। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है तथा इसमें जो ग्लूकोज होता है यह खंडित होकर के एथिल एल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो गाइस हम लोग अवायवीय श्वसन के बारे में जान गए। अब आइए हम लोग देखते हैं इससे उत्पाद क्या प्राप्त होता है। तो गाइस यहाँ पर भी ग्लूकोज ही होगा, C6H12O6 प्लस 6 मोल रहेगा ऑक्सीजन का,
यहाँ पर उत्प्रेरक कुछ भी नहीं रहेगा, टेम्परेचर भी कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पर 2 मोल एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा, C2H5OH प्लस 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 27 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा। गाइज अब आप लोग यहाँ पर देख के समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन उपस्थित रहे या न रहे, लेकिन श्वसन की क्रिया होगी, लेकिन बस अंतर यही रहेगा कि इसमें ऊर्जा कम मिलेगी, इसमें ऊर्जा अधिक मिलेगी। ऑक्सीजन के उपस्थित रहने के बाद ऊर्जा अधिक होगी, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा तो ऊर्जा कम होगी। गाइस यहाँ पर 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिला है और यहाँ पर केवल हम लोगों को 27 किलो कैलोरी ऊर्जा मिला है। तो गाइस जब हम लोग जान गए वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है, हम लोग इन दो टॉपिक के बारे में अध्ययन कर लिए। अब जो हम लोगों का तीसरा टॉपिक है वह है श्वसन की अवस्था। श्वसन की अवस्था क्या होती है, बाह्य अवस्था में श्वसन में क्या होता है, श्वासोच्छ्वास अवस्था में क्या होता है, इसके पश्चात कोशिकीय विसरण क्या होता है, कायिक श्वसन कोशिका श्वसन क्या होता है, ऊतक श्वसन क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग श्वसन की अवस्था के बारे में जानेंगे। तो गाइज आइए इसे हम लोग साफ करते हैं। तो गाइज जब हम लोगों का तीसरा है श्वसन की अवस्था, श्वसन की अवस्था, श्वसन की अवस्था, फेजेज ऑफ रिस्पायरेशन, तो गाय जो श्वसन की अवस्था होती है या 3 होती है, एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है ऊतक श्वसन, एक होता है कोशिकीय श्वसन। बाह्य श्वसन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है श्वासोच्छ्वास और एक होता है गैसीय विनिमय। तो गाइस आइए हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। तो जो श्वसन की अवस्था है इसमें पहला है बाह्य श्वसन जिसका इंग्लिश हो जाएगा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तो गाइस बाह्य श्वसन क्या होता है, आइए बाह्य श्वसन क्या होता है, यह वायुमंडल जो वायुमंडल में जो गैसें होती हैं श्वसनी गैसें, जैसे श्वसनी गैसें में आ जाएगा ऑक्सीजन गैस व कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यह वायुमंडल में वह जीव के मध्य श्वसनी गैसों का विनिमय होता है। इसमें वायुमंडल में जो गैस उपस्थित होता है और जो जीव होता है, जीव वायुमंडल में उपस्थित गैस को मतलब अपनी तरफ ऑब्जर्व करेगा तो इसमें विनिमय की क्रिया होती है। तो गाइस आइए हम लिखते हैं इसमें जीव व वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित श्वसनी गैसों। अब गाइस श्वसनी गैस कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन, इसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसनी गैसों का विनिमय होता है। तो गाइस जो बाह्य श्वसन होता है इसमें इसका पहला आता है श्वासोच्छ्वास। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पहला हो जाएगा श्वासोच्छ्वास, जिसे इंग्लिश बोलते हैं ब्रीदिंग। तो गाइस इसमें क्या होता है, श्वासोच्छ्वास में जो होता है जीव, जो व्यक्ति होता है वह ऑक्सीजन गैस को बाहर अंदर लेता है, इसके पश्चात ऑक्सीजन गैस के उपापचय होने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ता है। तो मतलब गाइस जिसमें हम लोग सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को ब्रीदिंग बोलेंगे। तो गाइस आइए लिखते हैं इसमें
ऑक्सीजन गैस को अंदर लेने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निष्कासित करते हैं। तो गाइस इसे हम लोग श्वासोच्छवास बोलेंगे, बाहर निष्कासित करते हैं, बाहर निष्कासित करते हैं। तो गाइस इसे हम लोग श्वासोच्छवास बोलेंगे। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेने ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में गया, उपापचय क्रिया के दौरान वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा का निर्माण होगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वह बाहर निकल आएगा, तो इसे हम लोग श्वासोच्छवास की क्रिया कहेंगे। अब इसके पश्चात इसमें दूसरा आता है गाइस, इसमें दूसरा आता है जिसे हम लोग बोलते हैं गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय क्या होता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लिए, ऑक्सीजन के दौरान हम लोगों को अंदर ऑक्सीजन मिला और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, वायु को अंदर लिए तो अंदर जो है ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, तो जो ऑक्सीजन रहेगा वह विनिमय की क्रिया के द्वारा पूरे शरीर में रुधिर के द्वारा ले जाया जाएगा जगह जगह पर, जहाँ पर उसकी मांग होगी वहाँ पर ऑक्सीजन जाएगा, तो इसे हम लोग विनिमय बोलेंगे गैसीय विनिमय। तो गाइस आइए इसके बारे में हम लोग लिखते हैं गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय इसका इंग्लिश होता है गैस गॉस, इसका इंग्लिश होता है गैस सॉस, गैस सॉस एक्सचेंज। तो गाइस आइए इसमें हम लोग लिखते हैं, इसमें शरीर के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन गैस को रुधिर के द्वारा पूरे शरीर में ले जाया जाता है, ले जाया जाता है। तो गाइस यह हो गया गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय मतलब गैस का बांटना, गैस की जहाँ पर मांग होगी वहाँ पर गैस को पहुँचाना। तो इसमें ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ उसकी मांग होगी वहाँ वहाँ पर यह विनिमय की क्रिया के द्वारा पहुँचाया जाएगी, और किसके साथ जाएगी, रुधिर के साथ जाएगी। रुधिर मिली नहीं रहेगी गाइस, जो RBC होता है इसमें कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएँ होती हैं, एक में तो ब्लड का फ्लो होता है और एक में तो यह ऑक्सीजन गैस को लेकर जाता है, लेकिन यह जो है या जो ऑक्सीजन गैस है या ब्लड में घुलित अवस्था में नहीं रहेगा। तो गाइस हम लोग जान लिए वायु श्वसन में जो श्वासोच्छवास और गैसीय विनिमय होता है इसके बारे में हम लोग जान लिए। अब इसके पश्चात हम लोगों का इसमें दूसरा आता है ऊतक श्वसन, टिश्यू रिस्पायरेशन, ऊतक श्वसन। फिर इसके पश्चात हम लोगों का तीसरा आ जाएगा कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन गाइस थोड़ा सा जटिल होता है, ऊतक श्वसन ऊतक में होने वाले श्वसनों को हम लोग ऊतक श्वसन कहते हैं। जो ऊतक बने होते हैं वह ढेर सारे सेल का बना होता है, तो हम लोग सेल का जो प्रक्रिया है वह जटिल है उसके बारे में जानेंगे, और ऊतक का तो एकदम सिंपल सा है। तो आइए हम लोग ऊतक श्वसन के बारे में जानते हैं। ऊतक श्वसन इसमें आएगा दूसरा ऊतक श्वसन। तो गाइस ऊतक श्वसन क्या होता है,
उत्तकों में ऑक्सीजन की पूर्ति को उत्तक में श्वसन कहते हैं। उत्तक में श्वसन कहते हैं, उत्तक में श्वसन कहते हैं, उत्तक में श्वसन कहते हैं। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का उत्तक श्वसन। उत्तकों में ऑक्सीजन की पूर्ति करने वाले को हम लोग उत्तक श्वसन कहते हैं। उत्तक में ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाए, श्वसन की क्रिया हो जाए, तो उसे हम लोग उत्तक श्वसन कहेंगे। इसके पश्चात हम लोगों का इसमें जो है तीसरा है वह कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन गाइस यह प्रक्रिया जो होती है या थोड़ी सी जटिल होती है। जो यह सेलुलर रिस्पायरेशन है यह प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होती है गाइस। कोशिकीय श्वसन में क्या होता है, इसमें कुछ विशेष प्रकार के एंजाइमों की आवश्यकता होती है। इसमें विशेष प्रकार के एंजाइमों की आवश्यकता होती है और इसमें जो ग्लूकोज है वह एटीपी में विभक्त होकर के ऊर्जा को प्रदान करता है। इसमें जो ग्लूकोज है वह एटीपी में चेंज होकर के ऊर्जा को प्रदान करेगा। तो गाइस आइए इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। कोशिकीय श्वसन यह, कोशिकीय श्वसन यह एंजाइमों पर आधारित, यह एंजाइमों पर आधारित प्रक्रिया है, यह एंजाइमों पर आधारित प्रक्रिया है। इसमें ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज एटीपी में चेंज होकर, एटीपी में परिवर्तित होकर, एटीपी में परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए श्वसन को जैव रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। इसीलिए श्वसन को जैव रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं, जैव रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। तो गाइज यह हो गया हम लोगों का कोशिकीय श्वसन। इसमें जो ग्लूकोज है C6H12O6 यह चेंज हो जाएगा एटीपी में और एटीपी चेंज हो जाएगा डीटीपी में और डीटीपी के द्वारा हम लोगों को ऊर्जा मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। एटीपी बना होता है तीन फास्फेट मूलक से, तीन फास्फेट मूलक से बना होता है। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का एटीपी जो होता है यह तीन फास्फेट मूलक से बना होता है। जब एटीपी एक फास्फेट मूलक दे देता है तो उसे हम लोग डीटीपी बोलते हैं, और यह डीटीपी हम लोगों को ऊर्जा को प्रदान करता है। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का कोशिकीय श्वसन। अब हम लोगों का जो इसमें श्वसन की अवस्था है यह भी हो गया। अब हम लोग जानेंगे पादपों में श्वसन क्या होता है। तो गाइस आइए अब हम लोग पादपों में श्वसन के बारे में जानेंगे। तो गाइस अब हम लोगों का इसमें चौथा है पादपों में श्वसन। पादपों में श्वसन गैस, श्वसन का मतलब होता है गैसों का विनिमय, इसका हो जाएगा रिस्पायरेशन इन प्लांट्स।
तो गाय जो पादपों में श्वसन होता है वह तीन प्रकार से होता है। उसमें होता है जड़ों के द्वारा, तनों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। जड़ों के द्वारा, तनों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। तो गाय जाइए हम लोग पहले जानते हैं जड़ों के द्वारा। जड़ों के द्वारा जड़ों के द्वारा तो गाय जैसे मान लीजिए यह है मृदा और यहाँ से ये किसी पेड़ का इस प्रकार से ऐसे जड़ जो होता है ऐसे होकर रहता है। इतने भाग को हम लोग मूल गोप बोलते हैं। मूल गोप इधर रहता है, इतने भाग में दीर्घीकरण क्षेत्र, दीर्घीकरण। तो गाइस अब मान लीजिए यहाँ पर यह है, तो जो यहाँ पर यह मूल गोप है यह तो जड़ को आगे बढ़ने में सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो ऐसे छोटे छोटे मूल रोम जैसे संरचनाएँ होती हैं जड़ में, ऐसे छोटे छोटे ये सब ऐसे होती हैं प्राथमिक जड़ें, द्वितीयक जड़ें। तो यहाँ पर ये तो जड़ें हो गई और यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे मूल रोम के जैसे संरचनाएँ होती हैं। तो गाइस जो इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है तो इन्हीं मूल रोम के द्वारा होता है, इन्हीं मूल रोम के द्वारा होता है। तो गाइस यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलकर मिट्टी में मिल जाती है, यहाँ से निकलकर मिट्टी में मिल जाती है और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो यहाँ से ऐसे ऊपर पौधे में चली जाती है। गाइस यहाँ पर वायु तो आएगा, यहाँ मिट्टी से ही आएगा वायु। मिट्टी से वायु आने के पश्चात यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा उपापचय क्रिया के द्वारा वह मिट्टी में चला जाएगा और जो ऑक्सीजन गैस होगा यहाँ पर ऐसे कोशिकाओं से इनके होते हुए पौधे में चला जाएगा। तो गैस जड़ों के द्वारा जो श्वसन होता है वह मूल रोम के द्वारा होता है। तो इसमें श्वसन की क्रिया होती है जड़ों में वह मूल रोम के द्वारा होता है, मूल रोम के द्वारा होता है। तो गैस अब इसमें दूसरा है तनों के द्वारा। तो गाइस जैसे तना होता है तो तने में रोम पाए जाते हैं, तने में रोम पाए जाते हैं जैसे छिद्र बोलते हैं, तो उसके द्वारा इसमें होता है। तने में दो प्रकार के तने होते हैं, एक होता है काष्ठी तना, एक होता है काष्ठीय तना और दूसरा होता है शाकीय तना। ये ए हो गया या बी हो गया, या हो जाएगा शाकी तना। तो गाइज इसमें जो श्वसन की प्रक्रिया होगी और जो इसमें श्वसन की प्रक्रिया होगी इसमें होगा छिद्रों के द्वारा। मूल जो यहाँ जैसे मान लीजिए यह तने हैं, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके द्वारा होता है, तो छिद्रों के द्वारा, और यहाँ पर भी छिद्रों के द्वारा होता है। तो गाइस ये होता है इसमें जो होता है काष्ठी तना, काष्ठी तना और साकी तना, इन दोनों में श्वसन जो होता है वह छिद्रों के द्वारा होता है। गाइस जो श्वसन होता है वह छिद्रों के द्वारा होता है। तो अब हम लोग तनों के द्वारा पढ़ लिए, जड़ों के द्वारा पढ़ लिए, इसके पश्चात गाइस इसमें तीसरा आता है पत्तियों के द्वारा। तो पत्तियों के द्वारा इसमें होता है। तो गाइस जो पत्तियों के द्वारा इसमें श्वसन होता है इसमें भी छिद्र होता है और इसके छिद्र का क्या नाम है, स्टोमेटा। छिद्र का नाम है स्टोमेटा, स्टोमेटा। इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैसों का विनिमय होगा, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में विनिमय होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैसों का विनिमय होगा। तो गाइस जो पत्तियों में श्वसन होता है उनमें छिद्र, उसके छिद्र का नाम क्या है, स्टोमेटा।
और वह स्टोमेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में विनिमय के द्वारा उसमें ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होगा। तो गाय जैसे अब प्रकाश संश्लेषण है, अगर वहाँ पर प्रकाश उपस्थित रहेगा तो जो पौधों में ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी वह निकलेगी, ज़्यादा निकलेगी, और वे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करेंगे। लेकिन रात के समय सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश की अनुपस्थिति में जो पेड़ की पत्तियाँ प्रकाश नहीं पाती हैं, तो इसके लिए वे वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करती है और रात में वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ती है। इसीलिए सभी पेड़ पौधे ऐसा करते हैं, इसीलिए रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि गाय जो आप उस समय रात में प्रकाश तो उपस्थित रहेगा नहीं, प्रकाश उपस्थित नहीं रहेगा कि तो जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होंगी वो नहीं हो पाएंगी, तो उस समय जो पौधे होते हैं वह उल्टा कार्य करने लगते हैं, मतलब ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ेंगे। तो गाइस इसीलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण की अगर उपस्थित है, अगर सूर्य का प्रकाश उपस्थित है तो वे ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेंगे। जैसे गाइस मान लीजिए ये कोई पादप है और यहाँ पर भी ये कोई पादप है, तो गाइस ये मान लीजिए कोई पादप है। अब ये डे में किस प्रकार से कार्य करता है और नाइट में किस प्रकार का कार्य करता है। डे में जो रहेगा, दिन में रहेगा, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश रहेगा, तो जो सूर्य का प्रकाश रहेगा वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इनकी पत्तियों पर आने के पश्चात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये जो रहेंगे ये ऑक्सीजन गैस को बाहर निष्कासित करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेंगे। लेकिन रात के समय में जो होता है सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित नहीं रहता है, जो प्रकाश है वह अनुपस्थित नहीं रहता है, तो उसके लिए जो पौधों में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो नहीं हो पाती, जिसके कारण पौधे इसके विपरीत कार्य करने लगते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ने लगते हैं और ऑक्सीजन गैस को अंदर लेने लगते हैं। तो गाइस इसलिए हमें रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने के कारण वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस को निष्का अंदर की तरफ लेते हैं। तो गाइस अब हम लोग जान लिए पादपों में श्वसन में पाला जड़ों के द्वारा जड़ों में जो उसके मूल रोम पाए जाते हैं उसमें गैसों का विनिमय होता है, इसके पश्चात तनों के द्वारा इसमें होता है काष्ठी तना और साकी तना। काष्ठी तना में श्वसन की प्रक्रिया उसमें छिद्रों के द्वारा होता है और साकी तने में श्वसन उसके छिद्रों के द्वारा होता है। फिर इसके पश्चात गाय पत्तियां हैं, पत्तियों में श्वसन छिद्र के द्वारा, छिद्र का नाम स्टोमेटा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा गैसों का विनिमय होगा। तो गाय जब हम लोगों का हो गया पादपों में श्वसन, अब हम लोग जानेंगे पांचवा जंतुओं में श्वसन क्या होता है। पादपों में श्वसन हम लोग जान लिए, अब जानेंगे जंतुओं में श्वसन क्या होता है। तो गाइज अब है पांचवा जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में श्वसन। रिस्पायरेशन इन एनिमल्स, तो गाय जो जंतुओं में श्वसन होता है वह जैसे जंतुओं में श्वसन होता है फेफड़ों के द्वारा होता है, उनके त्वचा के द्वारा होता है, इस प्रकार से जंतुओं में श्वसन होता है। तो गाय जंतुओं में श्वसन को पहले हम लोग जो उच्च प्रजाति के हैं उनके बारे में जानेंगे, जो उच्चतर हैं और जो निम्नतर हैं उनके बारे में जानेंगे। तो गाय जो उच्चतर हैं वे फेफड़ों के द्वारा श्वसन करेंगे और क्लोन के द्वारा श्वसन करेंगे, और जो निम्नतर हैं वो त्वचा के द्वारा श्वसन करेंगे, वो त्वचा के द्वारा श्वसन करेंगे। तो गाइस उच्चतर जैसे
कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें श्वसन की प्रक्रिया फेफड़ों के द्वारा होती है, क्लोन के द्वारा होती है, तो उसे उस प्रकार के जंतुओं को हम लोग उच्चतर बोलेंगे। और जो निम्नतर होता है उसमें त्वचा के द्वारा श्वसन होता है, उनकी जो त्वचा होती है एकदम फिसलनदार होती है, एकदम चिकनी होती है तथा वो फैलती बटुरती रहती, मतलब फैलती और सिकुड़ती रहती है, तो उसमें त्वचा के द्वारा होगा। तो गाय जाइए हम लोग जान गए उच्चतर और निम्नतर क्या होता है। तो अब हम लोग फेफड़ों में किसमें श्वसन होता है, क्लोन के द्वारा किसमें श्वसन होता है और त्वचा के द्वारा किसमें श्वसन होता है, आइए इसके बारे में इसके एग्जाम्पल को जानते हैं। तो गाय जो फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है, फेफड़ों के द्वारा वह होता है मनुष्य में, दूसरा हो जाएगा पशु में, तीसरा पक्षी में, चौथा छिपकली में, पांचवा मेढक में। तो गाय जी इन सब में जो होता है, यही सब नहीं ढेर सारे और एग्जांपल हैं, हम लोग केवल इतने को ही लेते हैं। तो जो फेफड़े के द्वारा श्वसन होता है इसमें इन सब में होता है। अब फेफड़े के द्वारा केवल हम श्वसन के बारे में इसमें जानेंगे, अब उसके हम लोग डिटेल के बारे में जानने लगेंगे तो गाइस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा क्या बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग इसमें मनुष्य इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, मनुष्य, पशु, पक्षी, छिपकली, मेढक। इसके पश्चात अब क्लोन के द्वारा किसमें होगा ये उसके बारे में जानते हैं, क्लोन और त्वचा। गाइज क्लोन के द्वारा होगा मेढक में और मछली में। और जो त्वचा के द्वारा होगा, यहां पर क्लोन जो होगा इसमें मेढक का लार्वा होगा, ना कि मेढक का लार्वा वह मछली और प्राण में। और गाइस इसका एग्जांपल हो जाएगा त्वचा का मेढक हो जाएगा और केचुआ। तो गाइस जिसमें हम लोगों को एक जानवर ऐसा मिला जो फेफड़ों के द्वारा भी श्वसन करता है, त्वचा के द्वारा भी श्वसन करता है, क्लोन के द्वारा। क्लोन जिसे हम लोग गलफड़ा बोल सकते हैं। लेकिन गाइस मेढक में तो गलफड़ा नहीं होता, इसे क्लोन ही रहने दीजिए, क्लोन सही रहेगा। तो यहाँ पर मेढक में जो होता है फेफड़ों के द्वारा भी श्वसन होता है, क्लोन के द्वारा भी श्वसन होता है और त्वचा के द्वारा भी श्वसन होता है। तो गाइस जब हम लोग जंतुओं में श्वसन जान लिए कि जो उच्चतर होते हैं जिनमें फेफड़ा और क्लोन के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है, उस प्रकार के जीवों को हम लोग उच्चतर जीव या उच्चतर प्राणी बोलेंगे, और जिनमें त्वचा के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होगी उसे हम लोग निम्नतर जीव, निम्नतर प्राणी बोलेंगे। इसके पश्चात जो फेफड़ों के द्वारा किस प्रकार के जीवों में श्वसन की प्रक्रिया होती है उसका एग्जाम्पल यहाँ है, क्लोन के द्वारा, त्वचा के द्वारा, इन सब का एग्जांपल यहां है। तो गाइस जब हम लोगों का पांचवा इसमें कंप्लीट हो गया, अब हम लोग छठवां पढ़ेंगे जलीय जीवों में श्वसन। छठवां है हम लोगों का जलीय जीवों में श्वसन। तो गाइस जलीय जीव जो होते हैं, जैसे जो जल होता है उसमें तो ऑक्सीजन घुलित अवस्था में रहता है, तो जो हम लोग रहते हैं जैसे जो वायु में जो स्थल पर रहने वाले जीव हैं उनकी अपेक्षा जलीय जीवों को ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए काफ़ी अधिक मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी अधिक प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है जल में, ऑक्सीजन जो होता है वह जल में घुलित अवस्था में होता है। घुलित अवस्था में होने के साथ साथ बहुत ही कम मात्रा में जल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और जो होता है स्थल में यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ढेर है, इसलिए हम लोगों को बहुत ही कम मेहनत करना पड़ता है ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करने में। और हम लोगों की अपेक्षा जो जलीय जीव होते हैं उनका जीवन अत्यधिक कष्टदायी व अत्यधिक कठोर होता है ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करने के लिए। तो गाय जब आइए हम लोग इसमें छठवां जलीय जीवों में श्वसन लिखते हैं, जलीय जीवों में श्वसन। रिस्पायरेशन इन एक्वाटिक
तो गाइस जले जीव में श्वसन किस प्रकार से होता है, तो आइए इसके बारे में लिखते हैं। जल में ऑक्सीजन घोलित अवस्था में होता है, घोलित अवस्था में होता है, घोलित अवस्था में होता है। जल में ऑक्सीजन घोलित अवस्था में होता है, जिसके कारण जलीय जीवों को ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो गाइस यह होता है जलीय जीवों में श्वसन, और इसमें श्वसन का मुख्य अंग फेफड़ा होता है, वो गलफड़ा होता है। इसमें श्वसन का मुख्य अंग गलफड़ा होता है। तो गाइस इस प्रकार से जलीय जीवों में श्वसन होता है। जल में ऑक्सीजन जो होता है वह घोलित मात्रा में होता है और बहुत ही कम मात्रा में होता है, जिसके कारण जलीय जीवों को ऑक्सीजन की प्राप्ति करने के लिए काफ़ी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और गाइस जिसमें सबसे मुख्य अंग होता है गलफड़ा। गाइस हम लोगों को जो स्थल पर रहते हैं यहाँ पर ढेर सारा ऑक्सीजन है, इसलिए हम लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। और हम लोगों के बजाय जो जलीय जीव होते हैं, जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए जल को ढेर सारे प्रक्रम से गुजारना पड़ता है, इसके साथ साथ उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो गाय जब आइए हम लोग देखते हैं जो जलीय जीव होते हैं वे श्वसन कैसे करते हैं। तो जो जलीय जीव है, पहले यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर जल है, जल को लोग ऑब्जर्व किए, मतलब अपने अंदर लिए, अवशोषित किए। अब जल गलफड़ा या मुख के द्वारा जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ पर गलफड़ा है, जल जो है वह गलफड़ा में गया, जल जो है वह गलफड़ा में चला गया, क्योंकि गाय जल है। अब जल को लोग ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व के पश्चात जल जो है गलफड़ा में चला गया, गलफड़ा के पश्चात जल जो है ऑब्जर्व करने के पश्चात गलफड़ा में ऑक्सीजन गैस को अलग करेंगे, अलग करने के पश्चात अब जो रुधिर होता है, रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाया जाएगा। तो गाइस जिस प्रकार से जलीय जीवों में जो होता है ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, अगर अब हम लोग इसके गलफड़े को पार के जाने, ऑक्सीजन को कैसे अलग होगा उस स्थान को जाने, रुधिर के द्वारा कैसे ले जाया जाएगा, तो गाइस यह बहुत बड़ी प्रक्रिया है और उनमें बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का जीवों में श्वसन। जल में वो जो जीव होते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल तो मछली होता है, तो मछली जल को ग्रहण की गलफड़ा के द्वारा, अब गलफड़ा से जो जल रहता है वह अंदर की तरफ जाएगा, फिर वहाँ से ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा, फिर ऑक्सीजन जो है वह ऑक्सीजन को पूरे शरीर में लेकर जाएगा। तो गाइस आज का हम लोगों का यह पूरा 6 टॉपिक हो गया, श्वसन, श्वसन के प्रकार, श्वसन की अवस्था, पादपों में श्वसन, जंतुओं में श्वसन, जलीय प्राणियों में श्वसन। तो गाइस इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए, और जो हम लोगों का कल का टॉपिक है स्टडी का, वह है मनुष्य में श्वसन। कल का गाइस ये है हम लोगों का टॉपिक मनुष्य में श्वसन। मनुष्य में श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें वायु को उपापचय क्रियाओं के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तोड़ा जाता है। गाइस इसको हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, आज का लेक्चर बस यहीं तक।
आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।